अक्सर मेरे पास आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि एजेंसीज के नाम बताओ, एजेंसीज के नाम बताओ, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो के साथ कवर करते हुए। स्कॉलरशिप लगा लो या ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट, मतलब ट्यूशन फीस आपको कौन देगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। टाइटल आपने देख ही लिया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब सीरीज वीडियो नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे वेयर हाउस जॉब्स इन कैनेडा। तो भाई, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है वो या तो लैंड हो चुका है कनाडा में, या फिर वो होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जाना और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं कि कैसे आप लेने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब्स, और वो भी वेयर हाउस के अंदर कैसे लेंगे, तो मैं बात कर रहा था इसी वीडियो में। तो सबसे पहले, बिना किसी देरी के, मैं पहली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो है कंपनी के बारे में। जो पहली कंपनी मेरी लिस्ट में है वो है UPS। अब बेसिकली जो वेयर हाउस जॉब्स होती है ना यार, ये मोस्टली बड़ी कंपनीज ही हैंडल करती हैं। अगर आप एक एजेंसी के थ्रू नहीं है तो एक बड़ी कंपनी ही बात करते हैं, और इस वीडियो में हम दोनों ही चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो पहली कंपनी जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वो है कंपनी है UPS, ठीक है जी। लोगो मेरी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। तो बेसिकली जो UPS कंपनी है ये, इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, तो भाई इनकी डायरेक्टली वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए उस पर, अपनी प्रोफाइल बनाइए बड़ी इजीली, अपनी लोकेशन सेट करिए, जहाँ पे भी आपको जिस भी नज़दीकी वेयर हाउस में आपको जॉब चाहिए आप इजीली जा सकते हैं, और वहाँ पे अपनी लोकेशन डाल के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जॉब कौन कौन सी होती है, इसमें भाई जॉब्स होती हैं 2-3 टाइप की होती हैं। पहली जॉब, जो बेसिक, जो सबसे कॉमन जॉब होती है, वो होता है पैकेज हैंडलर जॉब, UPS की ही होती है। इसका बेनिफिट एक मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी जॉब होती है। दूसरी जॉब होती है भाई ड्राइवर हेल्पर, और तीसरी जॉब होती है ड्राइवर की। तो ड्राइवर की जॉब के लिए तो आपको G2 या मिनिमम जी तो आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपको ट्रक ड्राइव करना होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अभी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो ड्राइवर हेल्पर या फिर पैकेज हैंडलर, ठीक है। अब जो बेनिफिट की बात जो मैं कर रहा था UPS के अंदर, वो सबसे बड़ा बेनिफिट UPS की जॉब का क्या है, UPS की जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भाई आपको मिलते हैं स्कॉलरशिप लगा लो या ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट, मतलब ट्यूशन फीस आपको कौन देगा, UPS देगा। मतलब कुछ 3-4 हज़ार जो अमाउंट है डॉलर्स क्रेडिट हो जाते हैं आपके सेमेस्टर के एंड पे, वो कौन देता है, वो UPS देता है कि आप UPS में काम कर रहे हो तो आपको, और ये आपकी सैलरी से अलग होता है, आपको सैलरी मिलेगी। और सबसे मज़ेदार बात, आपको मिनिमम सैलरी नहीं मिलती, मिनिमम से जो मार्केट रेट है उससे $1 या $2 ऊपर ही सैलरी मिलती है UPS के अंदर, ठीक है। तो भाई UPS की प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है कि भाई आपने अप्लाई कर दिया, आपको कॉल आती है इनके HR के थ्रू, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो तीन से चार चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले हैं कि भाई आपके पास आपका खुद का व्हीकल है, या फिर आप खुद इजीली ट्रैवल कर पाओगे जगह तक या नहीं, या फिर आप एक हैवी वेट उठा सकते हो, हैवी वेट मतलब 45 LBS, ये सारी चीज़ें आप उठा सकते हो। भाई बहुत बढ़िया जॉब है, जॉब मिले तो छोड़ना मत और ले लेना। थोड़ा हार्ड काम ज़रूर होता है, कि एक रनिंग बेल्ट होती है जिसमें आपको काम करना होता है, पर ठीक है, हार्ड यार यहाँ सब कुछ है। एक रेस्टोरेंट में भी, टिम हॉर्टन्स या फिर मैकडॉनल्ड्स में भी काम करते हो, वो भी हार्ड है, और UPS की जॉब भी हार्ड है। तो हार्ड, यहाँ कनाडा आ रहे हो और हार्ड ना हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मेरी सेकंड वेयर हाउस जॉब की, जो कि मेरी इस वीडियो में है। और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो मैं बात करने वाला हूँ मेरी सेकेंड जॉब की, जो कि है अमेजोन वेयर हाउस। भाई सबसे बढ़िया जॉब है, और लोग तो इस जॉब को अपनी फुल टाइम जॉब में भी आगे चल के यूज़ कर लेते हैं, मतलब वो काम करते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं और इसको फुल टाइम बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जॉब जो भी करता है, लेट से जो अभी मार्केट रेट है, अगर 16.5 मिनिमम रेट चल रहा है ऑनटेरियो के अंदर, कैनेडा के अंदर, तो इस जॉब में आपको $21 पर आवर मिलेगा। जी गाइस, यस, आपको $5 कम से कम फालतू मिलता है मार्केट से। और तो और बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि हेल्थ केयर हो जाता है, और 2-3 जो बेनिफिट जो एक्स्ट्रा जो एक जॉब में मिलते हैं आपको, वो सारे बेनिफिट्स अमेज़ॉन की जॉब में मिल जाते हैं। और तो और मेरा जो एक दोस्त था जो अमेज़ॉन वेयर हाउस में काम करता था, उसने मुझे बताया था कि इनके पास एक रिलैक्स जोन, एक अपना कंफर्ट जोन, एक ब्रेक जोन भी होता है, जिसमें बंदे पूल खेलते हैं, सोना खेलते हैं, PS4 लगा रखा होता है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब एक वेयर हाउस जॉब में आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, ये मिलती है जी अमेज़ॉन वेयर हाउस की जॉब में। तो होता क्या है कि फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं अमेज़ॉन के, जैसे कि अगर मैं ऑनटेरियो की बात करूँ तो एक इटीबीकोक में सेंटर है इनका, और शायद उसके आसपास GTA में काफ़ी एक दो सेंटर्स हैं। आप वहाँ पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं,
और अगर आपके पास रेफरल है तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात है, आपको बहुत इजीली यहाँ पे अमेजोन वेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि कोई रेफरल ढूंढे, नहीं तो प्रोडक्ट फुलफिलमेंट सेंटर में आप जा सकते हो या आप वेयर हाउस एसोसिएट की जॉब अप्लाई कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई कुछ की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा लक ज़रूर चाहिए होता है क्योंकि आपने अप्लाई किया है तो पता नहीं उनका रिवर्ट आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास रेफरल है तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और मज़े ही करोगे दोस्त, सच बता रहा हूँ। आर्ट्स के आर्ट्स पूरे मिलते हैं, मतलब 20 घंटे जो आपके, और अब तो लिमिट भी हट चुकी है तो आप फालतू आर्ट्स भी काम कर सकते हो। और भाई सैलरी तो मैंने बताई दी, $21 पर आर, बड़ी ईजीली आपको इस जॉब से मिल जाता है। तो ये थी मेरी जॉब नंबर 2। अब बात कर लेते हैं जॉब नंबर 3, जो कि है फेडेक्स। जी, फेडेक्स अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फेडेक्स ग्राउंड तो अलग अलग है क्या? भाई ये ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फेडेक्स ग्राउंड आपको कनाडा के अंदर बड़ी ईजिली जॉब दे देता है। जब मैं बैरी में लोगों से बात करता था, मिलता था, और जो मैं फेडेक्स के लोगों से मिलता था, मैंने भी फेडेक्स में जॉब की हुई है, तो फेडेक्स में जब मैं लोगों से मिलता था, वो फेडेक्स बहुत बहुत ही बढ़िया जॉब होती है। फेडेक्स में से थोड़ा सा ये इशू होता है, कई कई बार आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मेरी टाइमिंग थी, मुझे 3 बजे सुबह उठ के जाना पड़ता था फेडेक्स की जॉब के लिए। तो ठीक है, फेडेक्स में जॉब में वही एक्स्ट्रा बता दूं आपको, मेरे को $18 का पे मिलता था, जब मिनिमम रेट था 15.5 का। ठीक है, और एडवांटेज वही UPS वाला एक एडवांटेज जो फेडेक्स देता है, वो देता है आपको आपकी ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट, आपको इजीली 3,500 डॉलर बड़ी इजीली आपको इस जॉब में मिल जाते हैं। ठीक है, और प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट भी बड़ा आसान होता है आपको। हर 6 महीने में अगर आप काम करते रहते हो और आपकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, तो आपको इजीली पर $1 का आपको इंक्रीमेंट हर 6 महीने में मिल जाता है। प्रमोशन भी बड़ी जल्दी यहाँ पे हो जाते हैं, आप सुपरवाइज़र बन जाएंगे, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, वेयर हाउस मैनेजर बन जाएंगे, और एक बार मैनेजर बन गए ना दोस्त, तो नॉक ओ जॉब मिल जाती है, आप इजीली PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इसमें फुल टाइम काम करने के लिए। ठीक है, तो ये थी भाई जो मैंने अभी बात करी आपको, 3 बड़ी एजेंसीज यहाँ पे, जो एजेंसीज मतलब 3 बड़ी कंपनीज जो यहाँ पे आपको जॉब दे देंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ एजेंसी के थ्रू जो जाते हैं उनके लिए कैसे करना है। तो भाई वही जैसे मैंने अपनी फैक्ट्री जॉब में बताया था, जो आपके नियर बाई एजेंसी है, आप कर सकते हो गूगल की एजेंसीज नियर मी, और आपको बड़ी सारी लिस्ट आ जाएंगी। और जो जो वेयर हाउस जॉब ले रही हैं, आप उनको सीधा बोल दो कि मुझे वेयर हाउस जॉब करनी है, आपको वहाँ पे एजेंसीज में वो आपको वेयर हाउस जॉब में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपकी हेल्प करा देंगे। ठीक है, अक्सर मेरे पास आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि एजेंसीज के नाम बताओ, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो के साथ, कवर करते हुए थोड़ा सा पार्ट कि एजेंसीज़ को कैसे ढूंढें। तो भाई एजेंसीज़ को पहला तरीका है, सीधा जाके गूगल पर जाओ, एजेंसीज़ नियर मी, या फिर लेट्स से आप मिसिसागा में रह रहे हो तो एजेंसीज़ इन मिसिसागा आप सर्च करो, और आपको वो लिस्ट आ जाएगी। आपको थोड़ा एफर्ट ये करना है, आपको एक एक एजेंसी को फ़ोन करना है। हाँ भाई, जॉब चाहिए तो बिल्कुल करना पड़ेगा, तो आपको एक एक एजेंसी को फ़ोन करना है, और उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हो, जहाँ पे भी आपको जॉब चाहिए, जो भी आपको टाइमिंग चाहिए, आपकी वो अवेलेबिलिटी दे सकते हो, आपको उसके बाद जॉब मिल जाएगी। दूसरी आसान तरीका होता है भाई इंस्टाग्राम। तो बहुत सारी जो इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जो इजीली आपको वहाँ पे जॉब के लिए हेल्प कर देते हैं, जो कि सीधा बताते हैं कि यहाँ यहाँ पे जॉब लगी हुई हैं या यहाँ यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, आप जाके बात कर सकते हो। और तीसरा तरीका है टिकटॉक। हाँ जी, कनाडा के अंदर टिकटॉक बैन नहीं है, आप टिकटॉक को इंस्टॉल करें। मैंने मिसिसागा की ऑलमोस्ट 30 एजेंसीज के कॉन्टैक्ट नंबर्स टिकटॉक से निकाले थे। हालांकि ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एफर्ट किया था कि कहाँ कहाँ जॉब है, सोचा है कुछ पेज पे अपने पोस्ट करूँ, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, जो कि मेरा काम है, ये मेरा अगला प्रोजेक्ट अलग से चल रहा है साथ में, जो कि आप लोगों को बड़ी हेल्प करेगा। तो भाई ये थे 3 तरीके आपकी एजेंसीज ढूंढने के। एजेंसीज के बाद आप अपनी वेयर हाउस जॉब वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो भाई ये थी मेरी वीडियो वेयर हाउस जॉब्स की। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर ली है। अगर 1-2 कंपनीज मेरी रह भी गई हो तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, और या फिर कमेंट कर सकते हो, ताकि जो आपके आसपास के जो ऑल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बड़ी मदद हो। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, कीप वॉचिंग पीका रॉक्स।